टाटा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देश की आजादी के पहले से टाटा घराना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी धमक जमाए हुए हैं। देश को नमक से लेकर लग्जरी कार तक बनाकर देने वाले इसी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रतन टाटा ने जिस कंपनी को अपनी जिद से खड़ा किया, आज वो दो टुकड़ों में बंटने वाली है। हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की ड्रीम कंपनी टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स ने डिमर्जर का ऐलान किया है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि वो अपने कारोबार को दो अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांटेंगी। अब अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में खेलते हैं तो इस बंटवारे का आपके लिए क्या मतलब है, पूरी खबर विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डिमर्जर वाली कहानी को आसान भाषा में समझिए। टाटा मोटर्स के बोर्ड ने ऐलान किया है कि वह अब अपनी बिजनेस को दो अलग अलग बिजनेस में बांट देगी। इसमें एक बिजनेस होगा कमर्शियल व्हीकल का, जिसमें टाटा के बस ट्रक से लेकर छोटा हाथी यानी टाटा एएस तक का बिजनेस आता है, जबकि दूसरा बिजनेस होगा टाटा के पैसेंजर व्हीकल का, जिसमें उसकी पेट्रोल डीजल कार, इलेक्ट्रिक कार और जैगुआर लैंड रोवर डिवीजन आएगी। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि डिमर्जर में कितना समय लगेगा। बता दें, टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को बताया कि पूरी प्रक्रिया एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए होगी। डिमर्जर का पूरा प्रोसेस होने में 12 से 15 महीने का समय लग सकता है। इसके बाद बड़ा सवाल ये आता है कि कंपनी का बंटवारा होने से कंपनी के शेयर होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। टाटा मोटर्स के मुताबिक इस डिमर्जर से एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और उसके बिजनेस पार्टनर्स पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी बात को और आसान भाषा में समझिए। बंटवारा होने के बाद टाटा मोटर्स की दोनों कंपनियों में उसके शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन समान बनी रहेगी। अब अगर आपके पास टाटा मोटर्स का 100 शेयर है तो संभव है कि बंटवारे के बाद उसके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का वैल्यूएशन कम बने और पैसेंजर व्हीकल का वैल्यूएशन ज्यादा बने। इसलिए आपके 100 शेयर को इस तरह डिवाइड किया जाएगा कि आपके निवेश की वैल्यू समान रहे। इसमें आपको हो सकता है कि पैसेंजर व्हीकल कंपनी के ज्यादा शेयर मिले और कमर्शियल व्हीकल कंपनी के कम शेयर मिले। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि बंटवारे के बाद शेयर होल्डर्स को दोनों कंपनियों में 1:1 रेशियो में शेयर्स का बंटवारा हो सकता है। अब एक और सवाल मन में आता है कि बंटवारा होने के बाद किस कंपनी की तरक्की होगी, यानी किस बिजनेस में मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश करते हैं। इस बात को भी उदाहरण से समझिए। देखिए, बंटवारा जो है भारत के हर घर की कहानी होती है। जब भी किसी परिवार में भाई भाई का बंटवारा होता है तो आम तौर पर दोनों के बीच बराबर की संपत्ति बांट दी जाती है। अब ये कई तरह से हो सकता है। किसी भाई को मकान मिले या किसी को दुकान मिले, या दोनों को आधा मकान आधी दुकान मिले। ठीक इसी तरह टाटा मोटर्स के साथ भी होगा। लेकिन बंटवारे में जब दो भाइयों को बराबर की संपत्ति मिलती है तो ये जरूरी नहीं कि दोनों भाइयों की तरक्की एक जैसी हो। अब मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के उदाहरण को ही देख लीजिए। साल 2005 में बराबर के बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी अपने बिजनेस को कहां ले गए और अनिल अंबानी किस तरह दिवालिया हो गए, ये सबको पता है। किसी तरह ये संभव है कि भविष्य में टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल बनाने वाली कंपनी बेहतर कारोबार करे तो उसका शेयर प्राइस नई ऊंचाइयों को छू जाएगा। वही कमर्शियल व्हीकल की डिमांड कम हो जाए तो उस कंपनी को नुकसान उठाना पड़े और शेयर भाव नीचे आ जाएगा। लेकिन कहानी के इस मोड़ पर आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि कमर्शियल व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स जहां देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, वहीं पैसेंजर व्हीकल के मामले में उसके पास जैगुआर लैंड रोवर जैसी हाई मार्जिन ब्रांड है और वो ईवी सेगमेंट में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जाते जाते जिस कंपनी की बात हो रही है उसके बारे में जान लीजिए। टाटा मोटर्स के तीसरी तिमाही में साल दर साल 133% की बढ़ोतरी के साथ 7,100 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह आंकड़ा 2,958 करोड़ रुपए था। शेयर्स की बात की जाए तो फिलहाल टाटा मोटर्स का शेयर 7% चढ़कर 1,058 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बीते 6 महीने में इसने आम निवेशकों को 74% का रिटर्न दिया, वहीं एक साल में इसने निवेशकों को मालामाल कर दिया। एक साल में इस शेयर ने 141% का रिटर्न दिया है। अब हमने आपको टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।